सर, क्या आपने एक बालक के तौर पर कभी सोचा है कि आप भारत में एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या आपने सोचा है कि आप विश्व भर में प्रसिद्ध होंगे? मैंने कभी नहीं सोचा क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वह बहुत सामान्य परिवार से हूँ, और मैं तो कभी स्कूल में मॉनिटर का चुनाव भी नहीं लड़ा था तो ऐसा तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता था। और दूसरा, धीरे धीरे करके मैं पढ़ा है, अपने बड़ों से सुना है, उससे मुझे लगता है कि कभी कभी इस प्रकार की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ा बोझ बन जाती, बड़ा संकट बन जाती है। और इसलिए मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग दुखी रहते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने कुछ बनने के सपने देखे होते हैं। सपने देखने चाहिए, लेकिन कुछ बनने के बजाय कुछ करने के सपने देखने चाहिए। कभी क्या होता है, मान लीजिए हम छोटे होते हैं तो परिवार में कोई भी मेहमान आता है तो हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं, सबको परिचय करवाते हैं कि बेटा है ना, उसको डॉक्टर बनाना है, ये बेटी है, इसको इंजीनियर बनाना है। तो दिमाग में बचपन से ही घुस जाता है कि मैं डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। और 10वीं 12वीं कक्षा में आते आते गाड़ी लुढ़क जाती है, फिर कहीं एडमिशन मिलता नहीं, फिर कहीं नौकरी कर लेता है, कहीं टीचर बन जाता है, कुछ बन जाता है, तो जीवन भर गाली देता है अपने आप को। देखिए, डॉक्टर बनना था, टीचर बन गया, डॉक्टर बनना था, क्लार्क बन गया, डॉक्टर बनना था, ड्राइवर बन गया। वो जिंदगी भर रोता रहता है, जो बना है उसका आनंद भी नहीं ले पाता है। और इसलिए कुछ करने के सपने देखें और थोड़ा बहुत भी कर लें तो जीवन को इतना संतोष मिलता है, इतनी प्रेरणा मिलती है, इतना आनंद मिलता है, और अधिक कुछ करने की ताकत भी मिलती है। मेरा आग्रह रहेगा सभी बाल मित्रों से, करने के सपने जरूर देखिए कि मैं इतना कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। करते करते कुछ बन गए तो बन गए, नहीं बने तो नहीं बने, करने का आनंद बहुत रहेगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।